Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Today's student, we will start the one and only exercise of this chapter, Principle of Mathematical Induction. Now, मैंने आपको already बता दिया कि किस तरह के question इस chapter में ask किए जाएंगे. तो see the question. Question is, prove the following by using the principle of mathematical induction for all n belongs to natural number. यहाँ कुछ question दिए गए and principle of mathematical induction से उन्हें prove करना है. मैं already आपको example करा चुका हूँ इस तरह के. See the first question. The first question here is 1 plus 3 plus 3 square up to 3 to the power n minus 1 equal to 3 to the power n minus 1 upon 2. इसके बराबर प्रूव करना है. See, यहां पर पहले मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का लिख देता हूं. तो यहां जो हमें pn दिया हुआ है, दिस pn, हम यहां पे pn अज्यूम कर लेते हैं. दिस इज 1 plus 3 plus 3 square और ये कहां तक जा रहा है, अप टू डॉट 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 अप टू 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना है ये है 3 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2, इसके बराबर प्रूव करना है. तो सबसे पहले 1 के लिए प्रूव करेंगे. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम प्रूव करेंगे तो p1 कितना हो जाएगा हमारा, p1 फर्स्ट टर्म एक ही टर्म लेंगे तो एक फर्स्ट टर्म क्या है 1, यहां रुक जाएंगे एंड दिस इक्वल टू राइट साइड में एन की जगह 1 प्रूफ दिस 2, ये कितने के बराबर आएगा 3 की पावर 1, 3 3 माइनस 1 2, तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1. हम देख रहे हैं कि 1 के लिए क्या है, स्टेटमेंट प्रूव है. सिंस पी एन इज ट्रू फॉर n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए प्रूव हो गया. नाउ अब हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम ये हमारा सेकेंड स्टेप होता था, एज्यूम दैट पी एन इज ट्रू, पी एन क्या है ट्रू फॉर n is equal to k, n is equal to k के लिए. तब हमारा यहां पर p, n की जगह हम जब प्रूव करेंगे तो पी के इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू n की जगह यहां पे क्या आ जाएगा k, 3 टू दी पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर k माइनस 1 बाई 2. इसे मैं इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेता हूं, इक्वेशन 1. नाउ स्टूडेंट अब हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n is equal to k plus 1 के लिए हमारा थर्ड स्टेप होता था, तो pn कितना हो जाएगा, नाउ n की जगह हम k plus 1 रखेंगे, सो p k plus 1 is equal to कितना हो जाएगा 1 plus 3 plus 3 square and plus up to जाएगा ये 3 to the power कितना था स्टूडेंट n minus 1, यहां हम क्या पुट करेंगे n की जगह k plus 1, दिस इज k plus 1 minus 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 है तो n की जगह अगेन k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2. नाउ स्टूडेंट अब हम यहां पर क्या करते हैं, अगर आपको रिकॉल मैं कराऊं, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हम क्या करेंगे यहां पर लास्ट टर्म से प्रीवियस वाली टर्म लिखते हैं और वो टर्म क्या होती है, वो टर्म नथिंग बट ये वाली टर्म होती है जो 3k माइनस 1 है, ये वाली टर्म होगी, यानी 3k प्लस 1 माइनस 1 से पहले कौन सी वाली टर्म आएगी, दिस इज 3k माइनस 1 वाली टर्म और नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, दिस प्लस 3k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना 3k प्लस 1 माइनस 1 बाय. Now, from equation 1, from equation 1 से हम इस complete की value हमें दी हुई है equation 1 में, आप देखिए this 3k minus 1 by 2, तो ये मैं 3k minus 1 by 2 लिख देता हूं, 3k minus 1 by 2 ये आ गई मेरी equation 1. So, next plus में कितना है, 3 to the power k plus 1 minus 1, now 3 to the power k plus 1 minus 1 कितना हो जाएगा, 3 to the power k, this equal to 3 to the power k plus 1 minus 1 by
नाउ स्टूडेंट सी, यहां पर मैं क्या करता हूँ, 3 to the power एलसीएम ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 2 into 3k इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 to the power k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2. नाउ 2 into 3 to the power k एंड 3 to the power k कितना होगा, 3 to the power k plus 1. कैसे होगा स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं ये. नाउ सी 3 to the power k एंड 2 into 3 to the power k कितना हो जाएगा, 3 into 3 to the power k. ये हो जाएगा नाउ माइनस वन रिमेनिंग, यहां हमने इसे और इसे इन दो टर्म को ऐड कराया अपॉन 2. नाउ 3 into 3 to the power k कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, यहां पावर 1 है, यहां पे पावर k है, कितना हो जाएगा 3 to the power k plus 1 माइनस 1 बाय 2. और ये इक्वल है किसके, दिस टू दी पावर के प्लस 1 माइनस 1 बाय 2. तो सिंस p k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन p k इज ट्रू देयरफॉर p n इज ट्रू by principle of mathematical induction. For all n belongs to natural number, सारे natural number के लिए ये true होगा. Now move on to the next question.